एसीडीटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आज का टॉपिक है बच्चों, एसीडीटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और कई क्वेश्चन क्रिएट होगा, इसलिए बारीकी से इसको ध्यान देंगे, है ना। ए बच्चों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं है ना तो हाइड्रोजन आयन देता है और जो हाइड्रोजन आयन देता है वो एसिड कहलाता है। ये रिएक्शन जो है बच्चों रिवर्सिबल है, H3O+ एक हाइड्रोनियम आयन हो गया, हाइड्रोनियम आयन प्लस कार्बोक्सिलेट एनायन, इस प्रकार से इसको लिख दीजिए कार्बोक्सिलेट एनायन, आयन भी कर सकते हैं। अब यहां बच्चों ये जो है कार्बोक्सिलेट एनायन जो है वो अस्टेबल जो है रेजोनेंस को शो करता है, कैसे। अब यहां ध्यान दीजिएगा इस ऑक्सीजन पर माइनस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये कार्बन पुनः इस ऑक्सीजन को देगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट होगा, एक ऑक्सीजन पर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा नहीं, जिसके कारण स्टेबिलिटी इसका बरकरार रहेगा और स्टेबिलिटी बरकरार रहेगा तो एसिडी का स्ट्रेंथ मजबूत होगा। अब बच्चों ये क्या हो गया आर सी, यहां डबल बॉन्ड हो गया और यहां क्या हो गया माइनस, है ना, रेजोनेंस को शो किया। अब इसका हाइब्रिड रेजोनेंस बनाएंगे इस प्रकार से आर ओ ओ, इलेक्ट्रॉन रोटेट इस प्रकार से करेगा, यहां माइनस कर देंगे, है ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो निकाल लीजिए के ए क्यू प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, यानी एच थ्री ओ पर प्लस आर सी ओ ओ माइनस डिवाइडेड बाई एच टू ओ आर सी ओ ओ एच। अब बच्चों यहां से वाटर को इधर कीजिए, यानी के ई क्यू एच टू ओ यहां हो जाएगा एच थ्री ओ पर प्लस आर सी ओ ओ पर माइनस डिवाइडेड बाई आर सी ओ ओ एच। अब यहां ध्यान दीजिएगा इसको जो है के ए बोलते हैं, ये हो गया डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड यानी के ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच थ्री ओ प्लस या एच प्लस होगा। अब कहता है एच प्लस बढ़ता है तो के ए अगर बढ़ता है तो एच प्लस भी बढ़ता है, दोनों में कोई भी बढ़ेगा एसिडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अब यहां थोड़ा सा और ध्यान देंगे बच्चों के ए है ना, इसके अगर आगे अगर लॉग कर देते हैं तो ये हो जाता है टी के ए, टी के ए का वैल्यू अगर बढ़ता है तो टी के ए का घटता है, उस स्थिति में स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो यहां लिख दीजिएगा हायर, हायर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर एज एसिड, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के ए स्ट्रॉन्गर द एसिड, यानी कहने का मतलब के ए का वैल्यू बढ़ेगा एसिडी का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, पी के ए का वैल्यू घटेगा तो एसिडी का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो बच्चों इसको छाप लीजिए। अब बच्चों हम लोग
लेते हैं कार्बोक्सिलेट एनायन को आर सी ओ पर माइनस डबल बॉन्ड हो। अब यह आर अल्काइल के जगह पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को लेते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो क्या होता, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में जैसे हो गया मिथाइल इथाइल अगर रखते हैं तो क्या होता है, ध्यान दीजिए, कहता है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, जिसके कारण क्या है चार्ज डेंसिटी इसका इंक्रीज करेगा, और जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो हाइड्रोजन को खींचेगा, है ना, हाइड्रोजन को खींचेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहता है जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी घटता है, और स्टेबिलिटी घटता है तो एसिडी का स्ट्रेंथ भी आपका घटता है। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, आर सी ओ पर माइनस ओ, अब आर के जगह पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रखते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में हो गया सी एफ थ्री एन ओ टू सी एन एक्स पी एच, ए हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रोटेट करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या है घटेगा, और जब चार्ज डेंसिटी घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एसिडिक का स्ट्रेंथ भी आपका बढ़ेगा। उस सिचुएशन में सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आपका सी एफ थ्री है, अरे इसके बाद तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए, सी एफ थ्री एन ओ टू, इसके बाद सी एन, इसके बाद एक्स, इसके बाद पी एच, और एक्स में आ गया बच्चों हैलोजन फैमिली, उसमें भी सबसे स्ट्रॉन्ग है एफ, तब सी एल, तब बी आर, तब आई, जैसे है सी एच थ्री सी ओ ओ एच, है ना, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहां एफ कर दीजिए, है ना, इसके बाद सी एच थ्री है सी ओ ओ एच है, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और यहां सी एल कर दीजिए, इसके बाद है सी एच थ्री सी ओ ओ एच, एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और इसकी जगह पर बी आर कर दीजिए, पूछेगा तीनों में सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो यहां ध्यान दीजिए कौन है, फ्लोरीन, यानी ए है तब ए है तब ए है। यही है बच्चों आज का टॉपिक, इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।